कांग्रेस की ओर से खरीद फरोख्त के आरोपों की शिकायत के बाद राजस्थान में सियासत गर्म है। मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि अभी तक उन्होंने एसीबी को किसी तरह के सबूत नहीं दिए हैं। जल्दी उनके बयान होंगे और 19 जून के बाद खुलासा होने की संभावना है। साथ ही उनके दोनों उम्मीदवार विजयी होंगे। इस दौरान महेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसारा ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की ओर से जब से ये बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से एसओजी को शिकायत की गई, उसके बाद हर किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी ओर से ये प्रलोभन दिया गया और किन लोगों को दिया गया। हमारे साथ हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी जी। जोशी जी, आपने शिकायत की है, बाई नेम शिकायत नहीं की, लेकिन लोगों की जिज्ञासा है कि किन लोगों को वो प्रलोभन दिया गया और किन की ओर से दिया गया, कब तक ये खुलासा हो? देखिए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो शिकायत मैंने दी एसीबी को, एसओजी को, एटीएस को, उस पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो वो ऐसा माना जाएगा मैं जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक सिस्टम भी होता है, जांच एजेंसियां जब कुछ जांच करें तो बीच में किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें मीडिया में नहीं कही जाती या कहीं भी नहीं कही जाती, इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी सच्चाई है वो जरूर सामने आएगी। लेकिन कब तक संभावना है? ऐसे क्या सबूत हैं? कहा जा रहा है कि कुछ सबूत आपने एसीबी को दिए हैं, फोन टेप या स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के। इनका ना कि वो अभी बताना उचित नहीं है, मैंने दिए हैं नहीं दिए हैं, दिए हैं तो क्या दिए हैं, इन सब के बारे में 19 तारीख के बाद में बात करेंगे। लेकिन ये संभावना है कि 19 के बाद इसका पूरा खुलासा होगा? निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये आरोप सामान्य आरोप नहीं है। इस तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आप सोच नहीं सकते इसके अंदर कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरी तरीके से इसका खुलासा होना चाहिए। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर सफाई दे रही है क्यों? भारतीय जनता पार्टी को करना ये चाहिए था, कांग्रेस के साथ खड़ी होती, मेरे साथ खड़ी होती। ये आपने आरोप लगाए हम साथ हैं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। कहीं अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, तो हम दोनों पार्टियां मिलकर राजस्थान की जनता के सामने असली जो पिक्चर है उसको हम बताएं, और जो लोग इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। उल्टे राजनीति करने के लिए हम पे आरोप लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि उनके पार्टी के लोगों से हम संपर्क करें, भाई क्यों करेंगे? हमको तो किसी का वोट चाहिए ही नहीं। हमारे पास जो संख्या बल है 125 का, वही 23 सरप्लस हो रहे हैं, उनके पास 24 सरप्लस हैं। उन्होंने पता नहीं किन संभावनाओं के आधार पे ये एक दूसरा उम्मीदवार उतार दिया, संख्या बल नहीं था। अब वो कहते हैं हम संभावना तलाश कर रहे हैं, अंतरात्मा के आवाज वोट की बात कर रहे हैं। तो इस संख्या बल में जो संभावना है, ये कौन सी संभावना है? हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा क्या संभावना है आप बताइए मुझे? अंतरात्मा की आवाज पे कोई वोट की कॉल करते? पार्टी का व्हिप होता है, ये पार्टी का व्हिप चलता है, जो पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाएगा उसकी सदस्यता जाएगी और वो अयोग्य चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। कुछ सारी बातें सर आपकी ठीक है, आपने कहा बीजेपी का हमने जो शिकायत की उसमें नाम नहीं लिखा, लेकिन ये क्या पार्टी की गुटबाजी के परिणाम है? ऐसा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का भी आरोप है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह है उसके परिणाम? मुझे बताइए बीजेपी को इसमें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अगर पार्टी का अंदरूनी मामला है तो उनको नहीं बोलना चाहिए, और अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। एक ही बात बोलनी चाहिए कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। एक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया? दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक नेता ने बयान नहीं दिया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग करने की भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सब जगह जनता के सामने आ चुका। और किस शुचिता की बात और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफत की बात वो करेंगे? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ में पैसे लेते हुए मीडिया के सामने आया हो, जिस पार्टी के नेता पैसे लेते हुए जनता के सामने आए हो, नैतिक अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो वो हॉर्स ट्रेडिंग की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करे। इसलिए वो ये बात कहने के बजाय वो हम पे अटैक करने लग गए। मैं ये कहना, हमें तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा हमें तो वोट की जरूरत ही नहीं है। 23-24 के संख्या बल पे उन्होंने एक उम्मीदवार उतारा, 51 जीतने के लिए चाहिए, जरूरत तो उनको है, हमें कोई जरूरत नहीं है।
हमारे पास सरप्लस है, हमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की या किसी को ये आग्रह करने की जरूरत नहीं कि आप हमको वोट देना। लेकिन सर जब से ये चर्चाएं हुई आपने शिकायत की उसके बाद एक विधायकों में भी एक खौफ का माहौल पैदा हो गया कि उनके फोन हैं जो टेप किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। देखिए पूरे देश में खौफ का माहौल है, रिक्शे वाले से भी बात करो तो वो भी ये कहता है मेरा फोन टेप हो रहा है। ये कमाल हमारा नहीं है, ये फोन टेपिंग का कमाल मोदी जी का है। उनके नाम का जो भय बना है, रिक्शे वाला भी कहता है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, क्योंकि वो एजेंसियां चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे आईबी हो, ये सारी एजेंसियां उनके पास में हैं। तो ये इस भय का माहौल उन्होंने खुद, अच्छा उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि भय का माहौल बन रहा है फोन टेपिंग का। वो हमारा कमाल नहीं है, वो कमाल मोदी जी का है। अब कह रहे 125 विधायकों का हमारे पास समर्थन है, लेकिन दो सीपीएम के हैं, उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की, वो विधायक दल की बैठक कल होने वाली है उनकी, उसके बाद कुछ। हमने कहा हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हमने कहा सदन में हमको 125 का समर्थन मिलता है, हम उम्मीद करके चलते हैं हमको 125 का समर्थन मिलेगा। उनसे भी हम बात कर रहे हैं, बात हमारी क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी मान लीजिए हमारी जिनसे बात हुई है, बीटीपी के दो विधायक हमारे साथ, 123 संख्या पर हमारे पास अंदर है, आप इसमें 102 चाहिए हमको तो वोट के लिए, हमें किसी भी अतिरिक्त वोट की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों किसी को आग्रह करेंगे हमको वोट दो, हमारा संख्या बल हमको दोनों सीटें आराम से जीता रहा, सरप्लस वोट हमारे पास और है, हम ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। सभी विधायकों को आप एकजुट रखने के लिए यहाँ पर लाए हैं, होटल में रखा है, किस तरह की ट्रेनिंग अभी तक दी गई है, अर्थव्यवस्था को लेकर आपने उनको कार्यशाला आयोजित की, केंद्र सरकार की जो विफलताएं उनको आपने उजागर करने के लिए विधायकों को कार्यशाला आयोजित की, लेकिन वोट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी यहाँ पर? मॉक पोलिंग हमेशा होती है राज्यसभा कोई चुनाव और कोई पार्टी मॉक पोलिंग करती है, क्योंकि टेक्निकल वोट देने का होता है, जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं जो वोट पहले दे चुके होते हैं वो भी एक बार झिझकते हैं वोट देने से, और कोई गलती, क्योंकि इसमें गलती होने पर वोट रिजेक्ट हो जाता है, सीमित वोट होते हैं, गिने हुए वोट होते हैं, एक वोट भी अगर किसी का रिजेक्ट होता है। सर कब और उनके लिए क्या ट्रेनर आएंगे दिल्ली? नहीं हम खुद ही कर लेंगे, दिल्ली से नहीं आएंगे, दिल्ली के हमारे नेता आए हुए हैं जो राज्यसभा के चुनाव के में पोलिंग को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो उनको मॉक पोलिंग बताएंगे, और हर चुनाव में हर पार्टी कर रही है मॉक पोलिंग। सर रमेश मीणा की नाराजगी की बात सामने आ रही है, वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है, क्या कहें? उनके अविनाश पांडे जी ने उनसे उनके बारे में बताया है कि वो निजी कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, निजी कारणों से बहुत सारे विधायक कल आए हैं कुछ विधायक, इसलिए इस बात को उस रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं, और यह आपको जब पोलिंग होगी उसमें पता चल जाएगा। तो ये थे मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिनका कहना है कि जो उन्होंने शिकायत एसओजी में की है, एसीबी में की है, फिलहाल उनकी जांच चल रही है, लेकिन 19 जून के बाद तमाम जो ये संभावनाएं हैं उनका खुलासा होगा, पूरी जांच सामने आएगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि किन लोगों की ओर से विधायकों की खरीद फरोख्त करने के प्रयास किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।